Thank you so much for coming here from the thumbnail. If you are new to this channel and you're seeing this face first time, I would love it if you took a second and hit that red button underneath this video. Hit that. Hit that, okay? Let's get started. थंबनेल से आपको पता तो चल ही चुका है आज हमने क्या करना है. आज हमने आपको डाइट के बारे में और वेट लॉस के बारे में बताना है. देखो, मैं सबसे पहले उनके लिए बताना चाहती हूँ जो शॉर्ट में देखना चाहते हैं, उनको पहले शॉर्ट में बता देती हूँ जिनको लंबी वीडियो नहीं पसंद है. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है. देखो, दो तरीके हैं. पहले, सबसे पहले जिनको वेट लॉस करना है, इंटरमीटेंट फास्टिंग करनी है. फिर उसके बाद डाइट है, मतलब फूड क्या खाना है. उसके बाद वो चीज़ आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो तो वो डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो होल लाइफ के लिए डाइट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ इंटरमीटेंट फास्टिंग क्या होती है. इंटरमीटेंट फास्टिंग होती है मतलब कि कुछ टाइम आप खाते हो और कुछ टाइम आप फास्टिंग करते हो. सिर्फ मतलब वाटर बेस्ड जूस, वाटर, ये चीज़ें पीते हो, सॉलिड फूड कुछ भी नहीं खाते हो. ठीक है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग दो तरह की, या तो 16:8 कर लें आप, मतलब 16 आवर्स फास्टिंग और 8 घंटे आप कुछ खा लें. ठीक है, या फिर आप 14:10 कर लें, मतलब कि 14 आवर्स आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, फास्ट होगा और 10 आवर्स में आपको कुछ खाना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं 16:8, जो आपका 14:10 है ये आप खुद मैथ कर लेना. ठीक है, क्या इसमें कितना करना है. ठीक है, मतलब टाइमिंग एडजस्ट कर लेना. 16:8 की बात करते हैं. 16:8 मीन 16 घंटे आपको फास्ट करना है और 8 घंटे आपको खाना है. मान लो अगर आप शाम के 8 बजे से फास्टिंग शुरू करते हैं तो सुबह के 12 बजे ख़त्म होगा. देखो, मोस्टली लोग शाम को चूज़ करते हैं बिकॉज कुछ टाइम आपका सोते हुए चला जाता है तो आपको फास्टिंग नहीं फील होती. अगर आप डे टाइम चूज़ करेंगे ना तो उसमें मतलब लाइक बहुत सारी भूख भी लगी, एग्जॉस्ट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. ठीक है, और नाइट में आपका स्लीप पैटर्न भी सही हो जाएगा क्योंकि आपने बहुत कम खाया होगा, उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत बेटर नींद आएगी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये शाम को 8 बजे लास्ट मील करना है आपको. ठीक है, शाम के 8 बजे भी आपको कुछ ऐसा हार्ड नहीं खाना है, कुछ सॉफ्ट सा लाइक फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल जूस पी लो, स्प्राउट्स खा लो या फिर नट्स खा लो. जो ये 8 घंटे है इसके अंदर ऐसे नहीं अभी 8 घंटे खाना तो ये भी खा लूँ, पिज़्ज़ा भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, नहीं, कुछ भी नहीं खाना है. उस टाइम में भी आपकी रिस्ट्रिक्शन है, इसमें भी आपको हेल्दी फूड खाना है, सिर्फ हेल्दी फूड. सुबह आप जैसे ही सो के उठेंगे, आई नो हमें आदत होती है, ब्रेकफास्ट की आदत है, भूख भी लगेगी, है ना, तो उसको इग्नोर नहीं करना. उसकी जगह आप जूस पी सकते हो, कोकोनट वाटर पी सकते हो, ठीक है, लेमन वाटर पी सकते हो आप. लेमन वाटर में नमक मिर्ची मत मिलाना ना, लेमन और वाटर हल्का सा गुनगुना, ठीक है, वो पी सकते हो. और पेठा, सुना होगा आपने, सफ़ेद पेठा आता है उसका जूस आप पी सकते हो, वो हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि जो हम पहले खा चुके हैं वो हमारी आंतों में फंस गया है और वो निकल जाएगा उससे. ठीक है, ये वाली चीज़ होगी. फिर इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद जैसे आपको फिर 12 बजे तक रहने में तकलीफ़ हो रही है तो आप और जूस पी लो. जूस पीने में कोई वो नहीं है, पी सकते हैं आप कोई सब्जी का, करेले का पी ले, खीरे का पी ले, टमाटर का पी ले, जैसे भी आपने जूस, जो भी आपके अवेलेबल है. मैं नहीं कहती कि आप बहुत महंगे फ्रूट्स का और ड्राई फ्रूट्स का, महंगी चीज़ें ज़रूरी नहीं है खानी. आपके रीजनल और सीजनल जो चीज़ें मिलती है आप वही खाएंगे, जो भी अवेलेबल है, और वो महंगा नहीं होता है. जो सीजनल चीज़ें आती हैं वो महंगी नहीं होती है. ठीक है, तो आप वही खाएंगे. फिर आया 12 बजे पहला मील. पहले मील में क्या करना है आपको, खीरा, टमाटर या कोई भी चीज़ घर पे वेजिटेबल पड़ी होगी ना उसको काट के खाना है. पर इतना याद रखना, खीरा और टमाटर साथ नहीं खाना है बिकॉज उसका कॉम्बिनेशन गुड नहीं होता है. खीरा अपने हिसाब से पचता है और टमाटर अपने हिसाब से पचता है, तो इसमें मतलब ये इकट्ठा नहीं खाना है. पहले खीरा खा ले थोड़े टाइम और कुछ टाइम के गैप के बाद टमाटर खा ले. वैसे कोई सब्जी होगी घर पे, पत्ता गोभी होगी, कच्चे मटर होंगे, कुछ भी होगी, उस सुबह आपने मतलब 12 बजे पहले आपने वो मील लेना है, वेजिटेबल लेना है. जब अगर आपको भूख लगी है, डजंट मीन 12 बज गई अभी तो मुझे खाना ही है, कुछ भी खाना है. देखो, सबसे पहले आपको डिफरेंस पता करना होगा जीभ की भूख और पेट की भूख में. जीभ की भूख अलग होती है, पेट की भूख अलग होती है, ये याद रखना आप. जीभ की भूख और पेट की भूख में आप कैसे डिफरेंस फील करेंगे, मान लो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं कोई वीडियो देख रही हूँ,
मान लो पिज्जा की देख ली, राजमा चावल की देख ली किसी चीज से, उससे क्या हुआ, जीभ में सलाइवा बना, जीभ की भूख है, वो सिर्फ जीभ मांग रही है, क्योंकि हम वो टेस्ट बैठ चुके हैं, हम वो खा चुके हैं, तो हमारा वो टेस्ट डेवलप हो चुका है, वो मांग रहा है कि नहीं यमी मुझे तो ये खाना है, ऐसे नहीं करना, वो सिर्फ जीभ की भूख है, आपका पेट नहीं मांग रहा है उस चीज़ को, ठीक है। आपको याद रखना है जब आपका पेट मांगेगा तभी आपको देना, पेट मांग रहा है इट मीन्स वो रेडी है डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, तभी आपको देना है कुछ भी, ठीक है। तो 12 बजे ये स्टार्ट हो गया आपका, फिर उसके बाद दिन में अगर आपको भूख लगती है तो आप खा ले, फिर से फ्रूट्स खा ले, कोई भी वेजेस खा ले, नट्स खा ले, स्प्राउट्स खा ले, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, चिकन, ये पिज़्ज़ा, ये फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें ओकेजनली इंजॉय कर सकते हैं, बट इंटरमीडिएट फास्टिंग में नहीं करना है आपको अभी, ठीक है, क्योंकि आप वेट लॉस कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें होगी। लिक्विड अगर पानी पीने का मन कर रहा है तो पिए, नहीं कर रहा है तो ना पिए, क्योंकि हमने पहले इतना जूस पी लिया है, कोकोनट वाटर पी लिया है, पेठा का जूस पी लिया है, जो भी आपने पी लिया है, तो आपको लिक्विड कम होगा, क्योंकि हम पहले ही जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें फाइबर और पहले से ही पानी की मात्रा होती है। वाटरमेलन खा लें, ऐसे ऐसे फ्रूट्स खा लें, तो उसमें पहले ही पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं होती आपको, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, 8 घंटे आप खाए, जब भी आपको भूख लगती है याद रखना पेट की भूख, जीभ की भूख नहीं, मसाला चीज नहीं, जब पेट मांग रहा है तब आपको उसको देना है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग है, 8 घंटे आपको खाना है, 16 घंटे आपको भूखा रहना है। 8 बजे जब आप खा लेंगे ना लास्ट मील, ट्राई करें जल्दी सो जाए, पता क्यों, आपके टिश्यूज फिर से रिबिल्ड होते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ होती है, तो आपको जल्दी सोना है। आप जैसे 8 बजे खाना खाए, सोने की तैयारी कर ले। देखो आजकल आई नो भाग दौड़ की वजह से टाइम नहीं होता है, बट देखो अगर आपको वेट लूज करना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, और इंटरमीटेंट जो फास्टिंग है उस टाइम में आई नो आपकी फैमिली के साथ आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपकी फैमिली टेस्टी टेस्टी खाना खा रही है, आपकी जीभ उसको देख के लप लप आ रही है और आपका मन कर रहा है उसको खाने का। इसका सोल्यूशन ये है कि आपकी पूरी फैमिली को इंटरमीटेंट फास्टिंग करवाए आप, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप पहले से हेल्दी भी है, डजेंट मीन सिर्फ वेट लॉस कर रहा है, ये अंदर की चीज़ों को बैलेंस कर रहा है आपको। अगर बीमारी, हमारी बॉडी खुद को हील कर रही है, मतलब जो भी उसको प्रॉब्लम है उस चीज़ को हीलिंग का टाइम दे रहा है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा शक्ति है उसको टाइम मिल रहा है हमारी बॉडी को हील करने का, क्योंकि भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी ही बनाई है कि वो खुद को हील कर सकती है। कभी आप ऐसे कट लगाना, ठीक है, तो वो हील हो सकता है, बॉडी खुद हील कर सकती है, अगर आप दवाई भी नहीं लगाएंगे वो हील कर सकती है, बॉडी में ये पावर है। अगर उंगली काट के आप साइड में रख दोगे डेफिनेटली वो तो ग्रो नहीं करेगी बैक। तो यही चीज़ मैं आपको बात कर रही हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो आपको हील कर सकती है, बट ये नहीं उंगली कट के साइड में तो वो भी बढ़ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, आप लॉजिकली समझे इस चीज़ को, ठीक है। ये है इंटरमीडिएट फास्टिंग, ठीक है, फास्टिंग डन होगी, आपका वेट भी लूज हो गया, मतलब 110% आपका वेट लूज होगा, पर आपको सीरियसली और थोड़ा धैर्य देख के करना होगा, ठीक है। अगर जीभ लप लप आए तो क्या करें, आप फ्रूट्स में नमक मिर्च चटनी जो भी डाले उसको खा ले, ठीक है, ज़्यादा ही आपका मन कर रहा है कुछ और चीज़ खाने के बजाय उसमें ही नमक मिर्च चटनी मिला के खा ले, ठीक है। ये हो गया डन इंटरमीडिएट। अब आया सेकेंड मेथड, सेकेंड मतलब कि हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी डाइट है उसमें आपको पता है 80% हमें पानी चाहिए, 70-80% हमें पानी चाहिए, तो इट मींस हमारा जो 70-80% है वो एल्केलाइन होना चाहिए, मतलब कि उसमें वाटर बेस्ड होनी चाहिए चीज़ें खाने में। आप खुद अपनी डाइट घर पे बैठ के एक बार नोट करना, आप वाटर बेस्ड डाइट, कितनी वाटर बेस्ड चीज़ें खा रहे हैं, रोटी खा रहे हो वाटर बेस्ड नहीं है, ठीक है, पकी हुई सब्जी खा रहे हो वाटर वेस्ट नहीं है, कहाँ है उसमें पानी, तभी तो एक्स्ट्रा का पानी पीना पड़ता है, 4 लीटर पानी पियो, 3 लीटर पानी पियो, इतना पानी पियो, क्यों, क्योंकि आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर पानी नहीं दे रही है आपकी बॉडी को, समझ रहे हो आप। तो अगर आप अपनी डाइट ही चेंज कर लेंगे, वाटर बेस्ड रखेंगे, तो कैसे मतलब आपको एक्स्ट्रा पानी की नीड होगी, क्योंकि आपके बॉडी में पहले ही पानी जा चुका है बहुत सारा जो आपने खाया है, तो ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी। रोटी है एसिड फ्री, क्योंकि वो हार्ड है, चिपचिपी है, अंदर जाके डाइजेस्ट होने में उसको पानी तो चाहिए, समझ रहे हो, और खाते हुए पानी पियोगे तो अनाज सड़ जाएगा, अंदर सड़ जाएगा, तो फिर एसिडिटी, ओबेसिटी, ये सारी प्रॉब्लम होनी ही होनी है आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको,
हमेशा एक चीज याद रखना है कि भूख से खाना है, जीभ की भूख से नहीं, अपने पेट की भूख से खाना है। और टाइमिंग छोड़ दो यार कि सुबह 9 बजे खाना है, फिर 2 बजे खाना है, शाम को 8 बजे खाना है, ये चीज़ें छोड़ दो। मैं भी ऐसी थी, आपकी तरह थी, टाइम में रहती थी, या कभी भी ये सोचती थी 2 बज गया है, मैंने लंच नहीं किया, कर लेती हूँ, चाहे भूख भी नहीं लगी है। समझ रहे हो, भूख नहीं लगी, मैंने खाया, मेरी बॉडी रेडी नहीं है उसको पचाने के लिए, तो वो सड़ेगा ही सड़ेगा, पेट में सड़ेगा, एसिडिटी और बाकी प्रॉब्लम सारी आएगी ही आएगी आपको, ठीक है। तो आपको भूख से खाना, अगर आप सुबह उठते हैं आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट्स खाएं, सुबह उठ के फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल खाएं, स्प्राउट्स खाएं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये सारी चीज़ें आपको खानी है जब भी आपको भूख लगती है, ठीक है। ये वाली बात डन होगी आपकी। फिर उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम ये नहीं कि अब 2 बज गए तो मेरे को लंच करना ही करना है, लंच खाना ही खाना है, ऐसे नहीं करना है। 2 बज गया डजंट मीन भूख लग रही है, आपका पेट मांग रहा है तो दे दे उसको, नहीं मांग रहा है तो कोई बात नहीं, शाम को भूख लग रही है तो शाम को खाए, पर ज़बरदस्ती ना डाले। बहुत से लोग होते हैं हमें भूख नहीं लगती है, ज़बरदस्ती खाते हैं, ये होता है, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपकी बॉडी को आपसे ज़्यादा पता है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, भगवान ने उसको उसी के अकॉर्डिंग बनाया, समझ रहे हो आप, उसको एक्स्ट्रा कप डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें भी, हाँ भाई कर तू काम अभी, मतलब नीचे काम करिए ऊपर से फिर डालो कि नहीं, वो फिर से तुम्हारे काम में लग जाए, पीछे वाला काम छूट जाए और वो सड़ जाए, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी है, बस इतनी सी बात बतानी थी मेरे को, बाकी ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है मेरे को, बस स्प्राउट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स, ये हमारा फूड है, ये हमें खाना है। एटलीस्ट कुछ टाइम आप खुद ट्राई करके देखिए, ठीक है, मेरी बातों को मत सुनो, ना सुनो मेरी बातों पे, जाओ ही नहीं आप, खुद ट्राई करके देखो, महीने भर ये डाइट फॉलो करके देखो, महीने भर आप रेगुलर वाली अपनी डाइट करते हो जो चपाती, कुकिंग फूड, ये ग्रेन, ये सारी चीज़ें खाते हो, वो फॉलो करके देख लो, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा आपकी लाइफ में कितना डिफरेंस है, ठीक है। माना हमारे को लोगों के बीच में रहना, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, तो एक टाइम खाए, एक टाइम मतलब कि एक चपाती खा रहे तो इतना सारा सैलेड खा रहे आप, समझ रहे हो, ताकि उसको फाइबर मिले अंदर पचाने के लिए, उसको एक चपाती खा रहे हो, इतना सारा सैलेड खा रहे हो, थोड़ी सब्जियाँ ज़्यादा खाए, पका हुआ भी टेस्ट बन चुका है मुँह का, तो आप कर सकते हो कभी कभी, ओकेजनली इंजॉय कर सकते हैं। मेरा मतलब बिल्कुल नहीं खाना नहीं है, मेरा मतलब है कम खाना, कम खाए बिल्कुल ना, ऐसे ना बने नहीं मैं तो ये भी नहीं खाता, ये भी नहीं खाऊंगा, ये फलाना ढिमकाना, थोड़े टाइम अगर आपको अपनी बॉडी रिकवर करनी है, मतलब अपने हेल्दी वाली स्टेज पे आनी है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करो कि ना खाओ। जब आप अपनी हेल्दी स्टेट पे आ सकते हैं तो आप हर चीज़ खा सकते हो, इतने सालों से खा रहे हो तभी भी बॉडी पचा रही है, अभी अगर अच्छा अच्छा खा के बीच में कभी गलत डाल भी दोगे ना, तो बॉडी हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसको भी पचा सकती है, उसको भी साइड में लगा सकते हैं, पर इंजन अपना न्यू होना चाहिए, समझ रहे हो, पेट अपना आते अपनी एकदम न्यू होनी चाहिए, काम कर करके थक जाएगी ना तो फिर दूसरा काम कैसे करेगी, समझ रहे हो आप। तो अपने इंजन और अपने पेट को न्यू रखने के लिए आपको क्या करना है, फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल खाने, स्प्राउट्स खाने, जो भी मतलब लाइक ये नेचर ने हमारे को दिया वो सारी चीज़ें खानी है। मतलब इतना याद रखना, जिसको देख के आपका मन कर रहा है, एप्पल रखा है आपका देख के मन कर रहा है कि हाँ मुझे खाना है टेस्टी, अंगूर रखे है, कुछ भी रखे आपको खाने का मन कर रहा है, कच्चा मांस रखो खाने का मन करेगा, कच्चा आटा रखो खाने का मन करेगा, कच्ची दालें रखो खाने का मन करेगा, नहीं। तो ये अपने माइंड में रखना, जिसको देख के विदाउट कोई प्रोसेसिंग या कुछ भी किए उसको देख के खाने का मन कर रहा है, इट मीन्स वो मेरे लिए बना है, भगवान ने मेरे लिए ही बनाया है। देखिए मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले आपकी जैसी थी, सब कुछ ये मतलब ज़्यादा जंग तो मैं पहले से नहीं खाती थी, आई डोंट नो, मुझे लगता था मुझ में ही प्रॉब्लम है, मैं कच्ची सब्जियाँ, टमाटर, कच्चे खीरे, मटर, ये सारी खाने की बहुत जिद करती थी, मेरे घर वाले कहते थे तुम मंकी हो क्या, ये चीज़ें कौन खाता है, बंदर खाते ये चीज़ें, तुम्हारे लिए नहीं है, पका के खाओ, पका के मटर मुझे अच्छे नहीं लगते, आई डोंट नो, पका के टमाटर मुझे अच्छे नहीं लगते, कच्चे मुझे अच्छे लगते थे, आई डोंट नो मेरी बॉडी क्यों ये डिमांड करती थी, बट अब जाके मुझे समझ आया कि ये चीज़ें हमारे लिए राइट है, समझ रहे हो आप। ये मतलब पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें भी खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है मैं कुछ नहीं खाती, अभी तक भी खाती थी, पीछे तक भी खाती थी, बट अभी थोड़ा थोड़ा जब से समझ आने लगी है कि क्या चीज़ राइट है क्या चीज़ रॉन्ग है, मैंने अपनी डाइट बिल्कुल चेंज कर ली है,
तो आप भी कर सकते हो और अपने आप को मतलब ऐसे नहीं आप एनर्जी लेस फील होगे। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है बॉडी को एक्सेप्ट करने में, अगर आप वीट ये कुक्ड फूड से एकदम फ्रूट्स और वेजिटेबल इन चीज़ों में जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉडी को एक्सेप्ट करने, क्योंकि उसकी आदी होगी है। बॉडी मिर्च मसाले वो चीज़ें मांगती है, जी मांगती है, बॉडी नहीं मांगती, सॉरी जी मांगती है, ठीक है। पेट कभी नहीं मांगता कि मेरे को मिर्ची दे, उसको नहीं पता है यहाँ टेस्ट है बस। यहाँ के बाद जब अंदर जाता है ना, कुछ पत्थर में मिर्ची मसाले लगा के खाओगे ना वो भी टेस्टी लगेगा। कभी पत्थर में मिर्ची लगाना और मुंह में डालना वो भी टेस्टी लगेगा। जीभ को तो मिर्च मसालों का टेस्ट है, पत्थर का कोई टेस्ट नहीं है, समझ रहे हो आप। विदाउट मिर्च मसाले जरा कुछ चीज़ डालो अंदर, अगर आप खा सकते हो तो खा के दिखाओ। सिर्फ ये चीज़ हमारा टेस्ट डेवलप किया, इट मीन ये हमारे लिए नहीं बना है पर फिर भी हम खा रहे, समझ रहे आप। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप कच्चा देख के खाने का मन करता है वो आपके लिए बना है। तो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, जिसको आप चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे। अपनी डाइट चेंज करें, सारी बीमारियां भाग जाती है, लाइक कोई मर्जी बीमारी हो सारी बीमारी भाग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी की ऊर्जा शक्ति जो है उसको हीलिंग पावर है उसके पास, वो हील कर सकती है। पर अगर आप उसको टाइम देंगे हीलिंग का, अगर आप उसको बस पाचन शक्ति में बिजी रखेंगे, तो फिर वो बाकी चीज़ों में कैसे ध्यान रहेगी। मतलब यहाँ मुझे हील करना है, वो अंदर डाइजेशन में बिजी है, यहाँ तक कैसे उसको टाइम मिलेगा, वो थक जाएगी, फिर से आप फिर डालेंगे, फिर खाती रहेगी, फिर डाइजेस्ट मशीन लगाए रखी है आपने, ठीक है। जब नीचे वाला काम मशीन वाला काम हो जाएगा ना, फिर वो बॉडी के पार ढूंढेगी कहाँ हमें बीमारी है क्या है, तो वो वहाँ पे जाके काम करेगी, समझे। तो आपको टाइम देना अपनी बॉडी को। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं यहीं बंद करती हूँ, क्योंकि डाइट पे अगर मुझे कोई बिठा दे तो मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ, दो दिन तीन दिन बहुत बोल सकती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कितनी बार मैंने बाय बोल दिया, आई डोंट नो, दिस टाइम लास्ट फाइनल बाय। टेक केयर और डाइट ज़रूर फॉलो करें, अगर आपको लगता है तो करें, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, एक दिन आप ज़रूर इस डाइट पे आओगे। जब आप किसी बीमारी से कहीं भी जाओगे तो ज़रूर सर्च करोगे व्हाट्स गुड फॉर आर हेल्थ, तब आपको समझ आएगी ये चीज़ें। दिव्यानी राठौर ने कुछ बोला था जो आपकी काम की चीज़ है। चलो अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, बाय 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 बाय। इंटरमीडिएट फास्टिंग या फिर इंटरमीडिएट 70-80 पर होल फूड, अपने टिश्यूज को, मतलब वो फिर से टिश्यूज यार वो क्या होते हैं, फिर से बनते हैं, रिबिल्ट होते हैं, 10x14 सो के नहीं।